सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। दूसरे तीसरे दिन आप पूछते हैं कि क्या हो रहा है, समस्या है, हर दूसरे तीसरे दिन पूछते हैं तो उससे हमें भी लगता है कि आपके इस प्रयास से डीएम साहब ने हम लोग को निर्देशित किया कि हर ब्लॉक में प्रथम चरण में दो दो गांव में गौशाला बनवाई जाए ग्राम समाज की जमीन पर। उसके तहत हमने अपने राठ ब्लॉक में टोला रावत और बरेल दो गांव में ग्राम सभा की जमीन में प्रस्ताव करा करके वहां बनना शुरू भी हो गया है, काम वहां चालू हो गया है। ऐसे ही हर ब्लॉक में जिले के दो दो गांव चिन्हित किए गए हैं, वहां काम शुरू हो गया है। अब शेष अगले चरण में हम लोग अगले हफ्ते से फिर कम से कम दो गाँव टेकअप करेंगे और ऐसे ही ये हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय और आप लोग के प्रयास से यह लिया गया है कम से कम एक एक न्याय पंचायत में एक एक गौशाला ग्राम समाज की ज़मीन पर मनरेगा के तहत बनवाई जाए और जिसकी देखरेख एक समिति बनाई गई है, ये गो सेवा आयोग दिल्ली में है, उसमें ग्राम प्रधान उसके अध्यक्ष होते हैं और लेखपाल, सेक्रेटरी, पशुपालन विभाग के अधिकारी ये उसमें मेंबर होते हैं और यही इन्हीं लोगों की देख रेख में वहाँ पर गांव के कुछ गायों को जितनी वहाँ आ जाए रखा जाएगा और किसानों की फसल की सुरक्षा होगी। इसमें तो हम आपको धन्यवाद देंगे कि आपके प्रयास से ये काम जल्दी जल्दी होना शुरू हुआ। तो ये योजना है इसको डिसेंट्रलाइज करने की, अगर 250-300 हर न्याय पंचायत में गायों के लिए और कहीं 500 भी हो सकता है, वो ज़मीन जहाँ ज़्यादा कम है। तो मेरे ख्याल से आपका भी यही सोचना है कि इस समस्या से निजात पाए जा सकता है। जमीन का कितना निर्धारण होगा, कम से कम कितनी होगी? हम लोगों ने अभी 2 हेक्टेयर जमीन का लिया है जी, चूँकि 2 हेक्टेयर हमें दो ही गांव में मिल पाया है हमारे राठ ब्लॉक में, टोला रावत और बरेल, बल्कि 2 से भी थोड़ा कम है पूरा, तो तमाम जगह रिजर्व लैंड या जहाँ है भी लेवल होंगे, बहुत ऊंचा है और नाला है, तो ऐसी ज़मीन में तो हम बनवा नहीं सकते। ये हमारी सर, जैसे मान लीजिए आपने न्याय पंचायत स्तर पर गए, वहाँ गांव स्तर पर सर हो जाए तो ज़्यादा जमीन की उपलब्धता पर नहीं, वहाँ आप रिसर्च करें, मतलब खोजें जमीन को, अगर जिस गांव में गाँव वही गाँव हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा न्याय पंचायत स्तर में। नहीं नहीं ठीक, तो देखो ये आपका सुझाव बिल्कुल, ये न्याय पंचायत में देखो कम से कम 7-8 गांव होते हैं, जमीन की उपलब्धता हो जाए कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आप भी बताएं, हम तो आपका भी सहयोग चाहेंगे, हो सकता है हमारा कर्मचारी न बताए तो आप भी बताएं, अगर कहीं भी बताएंगे कि ये ग्राम सभा की जमीन यहाँ है, ये इतने में गौशाला खोली जा सकती है, तो बिल्कुल आप हमें बताइए, हम इसमें 3 दिन के अंदर काम करेंगे। हमारी समस्या भी 6 महीने से हो रही है, आवास और लैट्रिन में भी शादी करना है, नगर पालिका भी 6 महीने से चक्कर लगा रहे हैं, तो आप कर ही नहीं रहे वो 6 महीने तो आज ही तो आप हमसे कहे हैं, आज कई बार कहा, उसने भी दिवस भी दिया और नगर पालिका कई बार।